Assalamu alaikum to all students of class 6. I hope you will be fine, good, and fit. But I'm not feeling good. I don't know what happened with me. Uh, but I'm feeling, you know, uh, something wrong uh, with my health, uh, with my mind, with, with my heart. I don't know. Uh, I hope it will be clear very soon. Lee. Okay, <laughs> without Wasting any time, we should start uh, our lesson. And uh, we have the same topic Clean and Green Pakistan, a campaign. And uh, now we will uh, study about the vocabulary, uh, difficult words uh, of your uh, questions and answers of your lesson Clean and Green Pakistan. I think uh, it is very necessary, very essential for you because um, when will you? Uh, Write or give the exam or the test, uh, it will be uh, very helpful to you. So, let's start. Uh, clean and green Pakistan, uh, major difficult words. Hain. इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के जो क्वेश्चन आंसर है ये उस ये लेसन के नहीं है ये जो वर्ड्स मीनिंग में आपको बता रहा हूँ मैं वर्ड्स मीनिंग पे इसलिए ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि अगर आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग याद नहीं होंगे आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप मतलब सवाल के जवाब याद करेंगे तो क्या फ़ायदा आपको समझ में नहीं आएगा तो समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्ड्स को अच्छी तरह समझें जब वर्ड्स को समझ जाएंगे तो आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है अच्छा ठीक ओके जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं या आंसर्स क्वेश्चन और आंसर्स जो है वो आ, उनके अंदर जो जख़ीरा अल्फ़ाज़ जो मैं समझता हूँ जो आप लोगों के लिए मुश्किल होंगे मेरे हिसाब से आ, मैंने कोलेक्ट किए हैं ठीक है और मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ अपने पास नोट करते जाइए ठीक है ये अपने पास नोट करेंगे और लिखते जाएंगे तो अच्छा होगा ठीक है और एक बात मैं हमेशा यह दोहराता हूं देखिए कि डिग्री के पीछे मार्क्स के पीछे ग्रेडिंग के पीछे मत भागिए। ये बात लिख दीजिए अपने पास ठीक है एंड आई थिंक दिस इज गोल्डन लाइन विच आई एम गोइंग टू टेल यू ये गोल्डन गोल्डन लाइन है ये अगर आप लोग देखिए अगर आप लोग डिग्री के पीछे भागेंगे मार्क्स के पीछे भागेंगे ठीक है ग्रेडिंग या परसेंटेज के पीछे भागेंगे तो तो डिग्री आपसे दूर भागेगी परसेंटेज आपसे दूर भागेगी मार्क्स आपसे दूर भागेगी तालीम भी आपसे दूर भाग जाएगी ठीक है अब होना क्या चाहिए होना यह चाहिए कि इन चीजों के पीछे इन चीजों के पीछे भागने के खुद को इस काबिल बनाए खुद में ऐसी एबिलिटी पैदा करे ऐसी सलाहियत पैदा करें कि ये सारी चीजें आपके पीछे भागें ना यह कि आप इनके पीछे भागो ठीक है खुद को काबिल बनाओ ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करें आपकी इज़्ज़त करें आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें सराहें आपके वालदेन को आपकी वजह से आपके वालदेन को अच्छे लफ्ज़ों में सराहें तो ख़ुद में एबिलिटी पैदा करो मोहब्बत के साथ नेक नीयती के साथ और अखलास के साथ पढ़ने की कोशिश करें ठीक है ज़्यादा मतलब ये नहीं कि बस हमने बस ख़त्म करना है जैसे जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करना है और जान छुड़ानी है जान छुड़ाने वाला काम मत कीजिए तालीम के साथ ठीक है तालीम जान छुड़ाने वाली जो है ना वो शे नहीं है या अमल नहीं है ठीक है तो तालीम से जान मत छुड़ाइए मोहब्बत के साथ पढ़िए संजीदगी के साथ पढ़िए ठीक है अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करें आप अच्छे रहें और आपकी जिंदगी बन जाए आपका करियर बन जाए आपके वालदेनों वालदेन की जिंदगी अच्छी रहे आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी अच्छी रहें आपका मुल्क तरक्की की राहों पर गामजंद रहे तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है अच्छी तरह से पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन सही पढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या होगा इसका फायदा यह होगा कि वो चीज़ आपसे भूलेंगी नहीं फिर जो कुछ भी आप लोग मतलब जो भी आपसे कोई भी कुछ पूछे तो आप फटाफट जवाब दे सकेंगे क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट आप लोगों का माइंड जहन क्लियर होगा उस हवाले से आप जवाब दे सकेंगे अगर आप लोग रट्टा लगा के या ऐसे वैसे मतलब मार्किंग के लिए आप लोग दे दें वक्ती तौर पर तो ये फजूल है इसका मतलब यू आर फेल्ड अगर आप पेपर डिग्री में पास हैं लेकिन आप फेल होंगे वजह क्या है आप लोग को कॉन्प्ट क्लियर नहीं होगा आप लोग अपनी डिग्रियों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो डिग्रियों को जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्यार से पढ़े मोहब्बत से पढ़े विदाउट एनी चीटिंग विदाउट एनी रटाफिकेशन ठीक है ये समझे और आ, मैं जो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ठीक है देखिए लेसन के वर्ड्स मीनिंग पे मैंने पढ़ा दिए काफ़ी टाइम लगा उस पर फिर मैंने ये जो अब क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो वैदर्ज आ रही है डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं मैं समझा रहा हूँ ये क्यों समझा रहा हूँ मैं मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे मोहब्बत इन चीजों से मुझे तालीम से मुझे इल्म से मोहब्बत है इसलिए मैं समझा रहा हूं आप लोग और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मोहब्बत करें इन चीजों से, से तालीम से मोहब्बत करें आप लोग मोहब्बत नहीं करेंगे अखलास नहीं करेंगे तो यो ये तालीम भी आप लोगों से मुहब्बत नहीं करेगी ये बात लिख दीजिए अपने पास ठीक है तो अगर आप चाहते हैं कि आप कमल तरक्की करें और आला मुकाम हासिल करें आप लोगों का कैरियर अच्छा बने तो एबिलिटी अपने आप में पैदा करें ठीक है मोहब्बत के साथ पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए लेकिन सही पढ़िए सही है और जॉब वगैरह की टेंशन मत लीजिए कि मतलब जॉब नहीं मिलेगी ये फलाना टीम का अगर आप लोगों के पास काबिलियत है एबिलिटी है तो जॉब मिल जाएगी आप लोगों को क्योंकि काबिलियत अपनी जगह खुद बनाती है ठीक है मैंने ऐसे लोग देखे जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन उनको नौकरियाँ नहीं मिलती वजह क्या है दे हैव नो एबिलिटी दे कैन नॉट जस्टिफाई देयर डिग्रीज सो देट्स वाई दे आर फेल्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और संजीदगी के साथ पढ़ना है ठीक है अच्छा आ, ये जरूरी था मैं समझता हूँ तुम्हारा तुम लोगों के लिए ठीक है अब हमारे पास है आ, चलो शुरू करते हैं हेल्दी लफ्ज़ हमारे पास है हेल्दी हेल्दी का मतलब है सेहतमंद एनवामेंट कहते हैं माहौल को हेल्दी इन्वामेंट सेहतमंद माहौल हेल्दी इन्वामेंट सेहतमंद माहौल सोर्स कहते हैं जरिया को वसीले को ठीक है सोर्स जरिया वसीला ठीक है मेंटल मेंटल कहते हैं जहनी को जहनी मेंटल दिमागी फिज़िकल जिस्मानी, फिजिकल कहते हैं जिस्मानी को ये अपने साथ नोट करते जाइए मेंटल जहनी फिजिकल जिस्मानी, एंड इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन की काफ़ी मीनिंग बनती है इंस्पायरेशन देखिए एक तो आप लोगों की बायोलॉजी में इंस्पायरेशन है इंस्पायरेट्री सिस्टम जिसे कहते हैं सांस लेना ठीक है सांस लेने को इंस्पायरेशन कहते हैं लेकिन यहाँ हम जो इसकी मीनिंग यूज़ करेंगे जो सेंटेंस में जो सिचुएशनल सेंटेंस uh, के हिसाब से जो हम uh, इसकी मीनिंग बनती है वो है हमारे पास uh, सुकून इंस्पायरेशन सुकून ठीक है असर वताशीर को भी कहते हैं इंस्पायरेशन तखलीकी तहरीक को भी कहते हैं इल्हामी ख़याल को भी कहते हैं रूहानी सुकून को भी इंस्पायरेशन कहते हैं लेकिन यहाँ पे हम सुकून ही इसकी इससे मुराद लेंगे ठीक है अच्छा फिर हमारे पास है लफ्ज़ इंजॉय इंजॉय कहते हैं ख़ुशी को लुत्फ को लुत्फ उठाना हेल्दी हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग मतलब uh, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारना लिविंग गुजारना जिंदगी गुजारना तो कुल मिला के जो हमारे पास सेंटेंस बन रहा है क्या क्या कौन सा सेंटेंस बन रहा है एज हेल्दी इन्वामेंट एज हेल्दी इन्वॉर्मेंट इज अ सोर्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल इंस्पायरेशन टू एंजॉय हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग एक दफा फिर सुनिए एज हेल्दी इन्वायमेंट एज़ हेल्दी इन्वामेंट चूंकि एक सेहतमंद माहौल चूंकि एक सेहतमंद माहौल इज अ सोर्स ऑफ क्या है वसीला है जरिया है किस चीज़ का मेंटल एंड फिजिकल इंस्पायरेशन जहनी और जिसमानी सुकून हासिल करने का एक जरिया है टू इंजॉय हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग ठीक है खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए खुशहाल ज़िंदगी, ज़िंदगीहतमंद और ख़ुशहाल ज़िंदगी से लुत्फ उठाने के लिए एक, एक हेल्दी इन्वामेंट जो है एक सेहतमंद माहौल जो है वो ज़रूरी है एक जरिया है किस चीज़ का ज़रिया है हमारी फिज़िकल सुकून का हमारे मेंटल सुकून का इंस्पायरेशन का ठीक है फिज़िकल इंस्पायशन का एक जरिया है और मेंटल इंस्पायरेशन का एक जरिया है ठीक है अच्छा अब हमारे पास लफ्ज़ यहाँ पे है रिक्वायर रिक्वायर कहते हैं ज़रूरत को रिक्वायर्ड मतलूबा ठीक है माइंड सेट माइंड सेट कहते हैं जहन साजी करना माइंड सेट जहन बन जाना ठीक है रिक्वायर्ड माइंड सेट का मतलब है मतलूबा जहनीत या किसी मतलूबा काम के लिए जहन बनाने का अमल किसी मतलूबा काम के लिए जहन बनाने का अमल यार कि का ये काम हमने करना है इसके लिए जहन बनाना ठीक है मैंने गाड़ी चलानी है मैंने स्कूल जाना है ठीक है मुझे आ, क्रिकेट खेलना है ठीक है तो ये इसके लिए किसी भी काम करने के लिए जो आ, हम जहन बनाते हैं ठीक है जो जहन बनाते हैं या जहन साजी करते हैं ठीक है वो माइंड सेट होता है और रिक्वायर्ड माइंड सेट जो मतलूबा जहन साजी होती है या कि ये इसके लिए ये जहन साजी करना ज़रूरी है रिक्वायर्ड है ये ठीक है अब क्या आदत बनाने के लिए पॉजिटिव आदत बनाने के लिए यह जहनसाजी करना जरूरी है अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार कूड़ा कूड़ा करकट यू ना ये, ये गंदगी मत फैलाओ ठीक है अच्छी बातें किया करो यार पॉजिटिव थिंकिंग रखो अच्छी सोच रखो तो इसके लिए मैं क्या करूंगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड माइंडसेट में बनाऊंगा तो रिक्वायर्ड माइंडसेट किस चीज से आती है ठीक है वो फॉर्मेटिंग uh, हैबिट से आती है मतलब मैं आदत डालूंगा जब मैं किसी चीज़ की आदत डालूंगा तो आप लोगों का माइंड सेट हो जाएगा ठीक है जो रिक्वायर्ड जो चीज़ें मैं चीज़े समझता हूँ कि ये चीज़ें यार मैंने हासिल करनी है आप लोगों से तो मैं क्या करूंगा मैं ये करूंगा कि आप लोगों की आदत डालूंगा म, मे मेरी ख्वाहिश है कि मैं मतलब मिसाल के तौर पर ये वर्ड समझाना बहुत ज़रूरी है रिक्वायर्ड माइंड सेट जैसे कि मैं मेरी ख्वाहिश है कि या एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है या मकसद रखा गया है कि बच्चे अच्छी खुशखती सीखें अच्छी खुशखती सीखें अच्छी राइटिंग सीखें अच्छी राइटिंग स्टाइल सीखें तो ये रिक्वायर्ड है तो इसके लिए मैं आप लोगों का माइंड सेट बनाऊंगा जहन साजी करूंगा तो जहन साजी के लिए मैं क्या करूंगा कि आप लोगों की आदत डालूंगा कि यार दिन ब दिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से प्रैक्टिस कराऊं, आप लोगों की आदत डालूं जब आप लोगों की आदत ढल जाएगी या वो आदत बन जाएगी तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे तो रिक्वायर्ड जो मकासद हैं जो रिक्वायर्ड माइंडसेट है वो मैंने हासिल कर लिया कि भाई मैंने ये ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है अब बच्चे खुशखतील लिखने के काबिल हो गए हैं ठीक है थीके? अच्छा हमारे पास फिर है लफ्ज़ यहाँ पे फॉर्मिंग फौर्म, हैबिट्स फॉर्मिंग हैबिट्स फॉर्मिंग कहते हैं आ, वैसे फॉर्मल तो कहते हैं आ, रस्मी को ठीक है लेकिन फॉर्मिंग हैबिट्स तश्ल फॉर्मेटिंग से निकला हुआ है तश्कील करना शक्ल देना किसी चीज को ठीक है या करना फॉर्मिंग हैबिट्स आदात की तश्ल फॉर्मिंग हैबिट्स कहते हैं आदात की तश्ल को फॉर्मिंग फॉर्मिंग हैबिट्स कहते हैं ठीक है फिर हमारे पास लफ्ज है अवॉइड अवॉइड कहते हैं मना करना बचना ठीक है अवॉइड बचने को कहते हैं या मना करना ठीक है अवॉइड वैसे बचाना या बचना ठीक है लिटरिंग लिटरिंग एल आई डबल टी ई आर आई एन जी लिटरिंग कहते हैं गंदगी को लिटरिंग लिटरिंग कहते हैं गंदगी को आप देख लीजिए आपके क्वेश्चन आंसर में ये लफ्स होगा ठीक है ये वर्ड होगा अवॉइड लिटरिंग अवॉइड लिटरिंग गंदगी से बचना अवॉइड लिटरिंग गंदगी से बचना सॉरी माइ टी इज गेटिंग कोल्ड एंड आई थिंक आई शुड टेक इट इट इज सो कोल्ड बट इट्स माई हैबिट टू हैव खोल टी यू नो ओके स्टार्ट करते हैं स्कूल तो सबको होता है स्कूल स्कूल को कहते हैं मदरसे को Corridors corridors किसे कहते हैं Corridors कहते हैं स्कूल की जो गुजरगाहें हैं ठीक है रास्ते हैं स्कूल के अंदर जो रास्ते होते हैं ना क्लासरूम uh, से गुजरते हुए रास्ते हैं ठीक है ऑफिस से गुजरते हुए रास्ते हैं ठीक है गुजरगाह हैं स्कूल की गुजरगाहों को कॉरिडोर्स को कहते हैं ठीक है अच्छा फिर हमारे पास लफ्ज है मेक मेक कहते हैं बनाओ टू मेक बनाना ठीक है इट मेक्स ये बनाता है इट मेक्स ये बनाता है टास्क कहते हैं जो हमें एक चैलेंज दिया जाता है उसे टास्क कहते हैं कि ये काम करना है उसको टास्क कहते हैं ठीक है ईजी आसान को कहते हैं कंप्लीट मुकम्मल करना एंड अचीव हासिल करना अचीव डिजायर्ड कहते हैं असल में डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को डिजायर डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को और डिजायर्ड डिजायर्ड का मतलब मतलूबा ठीक है तो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मतलूबा मकाद डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मतलूबा मकाद तो कुल मिला के जब हमारे पास जुमला बनता है सेंटेंस बनता है मैं सुनाना चाहता हूं इट मेक्स इट मेक्स द टास्क इट मेक्स द टास्क इजी टू कंप्लीट एंड अचीव इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव दोबारा सुनिए इट मेक्स ये बनाता है क्या द टास्क इजी ये टास्क को इजी बनाता है टू कंप्लीट मुकम्मल करने में टू अचीव इट्स डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव ताकि जो मतलू मकासद हो वो आसानी से हासिल हो जाए यानी इससे इस काम को मुकम्मल करना आसान हो जाता है और अपनी मतलू मकासद को हासिल किया जाता है ठीक है अच्छा फिर हमारे पास है प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत को हिफाजत करना प्रोटेक्ट यूनिक कहते हैं मुनफरिद को यार ये या अनोखा यूनिक मुनफरद और इको इकोसिस्टम आप लोगों ने सुना होगा यार इकोसिस्टम इकोसिस्टम असल कहते हैं माहोलिया माहोलियाती निजाम को इकोसिस्टम कहते हैं ठीक है माहोलियाती निजाम को इकोसिस्टम कहते हैं तो यहां पे जब हम जुमला बनाते हैं कुछ इस तरह टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना किस चीज की यूनिक इकोसिस्टम मुनफरिद माहोलियाती निजाम की हिफाजत करना ठीक है वीडियो लंबी हो रही है और इसको आई थिंक टू वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे ठीक है केयर